हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं गाइस जो हम हमारे 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांचेस आपने नहीं सुनी होंगी, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की ऐसी ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, और कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, ओके। तो आज की वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हमारी क्या हमने क्या पढ़ना है, सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। टोटल हमारी 16 ब्रांचेज है गाइज, मैंने मेन ब्रांचेज ली हैं, इसमें 16 मेन ब्रांचेज हैं, ओके। इसमें हमारी प्लांट की और एनिमल्स की दोनों की हमारी मिक्सअप हैं गाइज, ओके। तो हम वन बाय वन इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कौन सी ब्रांचेज में क्या हम स्टडी करते हैं, राइट। तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है गाइज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है आप सब जानते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है। मॉर्फो मतलब बाहर से, बाहरी अपीयरेंस, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट, किसी एनिमल, किसी को भी हम अगर एक्सटर्नल से हम उसकी स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फीचर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी फॉर्म हो गई गाइस, उसकी स्टडी करते हैं किसी एनिमल या प्लांट की, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लो, मॉर्फोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। मतलब ये मॉर्फोलॉजी हमारी एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है। वो क्या डील करती है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्या फॉर्म है, कैसा स्ट्रक्चर है, राइट। तो डायग्राम में बता रखा है, ये हमारा एक इंसेक्ट है जिसमें हमें बताना, जिसमें हम बताते हैं मॉर्फोलॉजी में हम ये बताते हैं कि इसके कितने लेग्स हैं, ओके, कितने एंटीना है, ठीक है, किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बताते हैं गाइस, ओके। तो यही हमारी क्या है, मॉर्फोलॉजी, राइट। नेक्स्ट सेकेंड आती है अब हमारी ब्रांच एनाटॉमी, ओके। एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डाइसेक्शन, ओके। समझे आप, जो एनाटॉमी है गाइज, एनाटॉमी में हम वो चीज़ पढ़ते हैं जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल को हम डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डाइसेक्ट करने के बाद जो उसका इंटरनल पार्ट होता है, बॉडी का इंटरनल पार्ट जो भी होता है, उसको हम जब स्टडी करते हैं, वो हमारी एनाटॉमी के अंदर आती है, राइट। तो ये हमारी एनाटॉमी होगी। थर्ड अब आती है हमारी हिस्टोलॉजी, ओके। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज बाय माइक्रोस्कोपी, ओके। जो ये हिस्टोलॉजी है वो क्या है, हमारी टिश्यू की स्टडी है, ठीक है। टिश्यू की स्टडी हम कब करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप, ठीक है। टिश्यू तो हम वैसे हमारी नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो हमारी हिस्टोलॉजी कहलाती है। टिश्यू की स्टडी क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं टिश्यू, कौन सा टिश्यू हमारे क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कौन सा टिश्यू हमारा कैसे ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस के अंदर आती है, हमारी हिस्टोलॉजी के अंदर आती हैं। फोर्थ देखो अब, फोर्थ हमारी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के वर्ड से आप पता चल जाएगा कि आपको साइटोलॉजी का क्या मतलब है। साइटोम मतलब सेल, राइट। लॉजी मतलब आपकी स्टडी, तो सेल की स्टडी आपकी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी सेल होती हैं, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, वो कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, उनका फंक्शन क्या करती है, वो सेल फंक्शन क्या करती है, उन सेल के अंदर जो इतने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या हमारा फंक्शन करते हैं, कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। तो सबके फंक्शन वगैरह, सेल के फंक्शन, ठीक है, तो ये सब हमारी साइटोलॉजी के अंदर आता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स, तो ये हमारी साइटोलॉजी होती है, राइट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारा फर्स्ट डायग्राम हमारी एनिमल सेल का है एंड सेकेंड डायग्राम हमारी प्लांट सेल का है। इसमें यहाँ पे डाइस मतलब कि ये एनिमेटेड है गाइज, ओके। तो यहाँ पे दिखा रखा है इसका न्यूक्लियस, दोनों सेल्स का न्यूक्लियस दिखा रखा है, उसके ऑर्गेनल्स को शो किया गया है यहाँ पे। तो इनकी स्टडी हमारी किसके अंदर आती है, साइटोलॉजी के अंदर, राइट। तो फिफ्थ की तरफ चलते हैं हम, फिफ्थ है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है गाइज, इम्यूनोलॉजी हमारी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में, ठीक है, जो एनिमल्स की बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम हमारी क्या हेल्प करता है, सभी को पता होगा इम्यून सिस्टम है वो हमारे
जो वायरल एजेंट है, कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसे जो हमारे प्रोटेक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। अगर वो वायरल जो वायरल एजेंट है गाइस, तो वो अगर हमारा इन्फेक्ट कर गया, ओके, मतलब हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ओके, तो फिर हमारी ये उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो गाइस इसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर हमारी कुछ सेल्स आती हैं जो हमें इन वायरल एजेंट से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हमारी WBC, माइक्रोफेज वगैरह, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब सेल्स हमारी क्या हैं, ओके, इनकी स्टडी वगैरह कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, कैसे इनका एक्शन होता है, तो ये सब हमारी इम्यूनोलॉजी के अंदर आती है, राइट। एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है, एंटीबॉडी क्या होती है, ओके, एंटीजन क्या होते हैं, तो ये इनकी सब की स्टडी, ओके, तो ये हमारी इम्यूनोलॉजी के अंदर आती है। सिक्स देखो, अब सिक्स ब्रांच है हमारी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसके वर्ड से ही आप पता चल सकता है आपको, बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब लिविंग, केमिस्ट्री मतलब कि लिविंग की जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर, ओके, मतलब जो लिविंग मैटर है गाइज हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी मटेरियल होगा वो लिविंग मैटर होगा, राइट, तो उसकी केमिस्ट्री की स्टडी करना। केमिस्ट्री मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन, मतलब किस मॉलिक्यूल से बना है, कैसा मॉलिक्यूल है, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूल में, तो गाइज वो हमारा केमिकल कंपोजिशन हो गया। नेचर उसका, नेचर एसिडिक है, बेसिक है, ओके, वो हमारा नेचर के अंदर आता है। मोड ऑफ फॉर्मेशन, ओके, तो वो जो हमारा मटेरियल है, लिविंग मैटर है, वो किस, उसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो क्या, कैसी फॉर, कैसे फॉर्म हुआ वो, तो उसकी स्टडी भी हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। और उसकी फंक्शनिंग, ओके, जैसे हमारा लिविंग मैटर मान लो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, DNA हो गया, ये सब हमारे क्या है, लिविंग मैटर है गाइस, तो इनकी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री, राइट। सेवंथ बात यह है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म। गाइस जो हमारे प्लांट एनिमल होते हैं, ये फिजियोलॉजी आपने आपको पता होगा, जो 11th क्लास की बायोलॉजी में आपने सबसे लास्ट यूनिट है वो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, और उससे प्रीवियस, ओके, 5th यूनिट हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, एंड 4th यूनिट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की है, ओके, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं हमारे प्लांट और एनिमल्स के, उनके फंक्शंस की, हमारे उनको फंक्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, राइट। वो हमारे पार्ट ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक है, लीव्स हैं, रूट हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, राइट, तो इनकी स्टडी हमारी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म, ओके, तो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी बॉडी है, सॉरी, हमारी जो बॉडी है उसमें हार्ट है, ठीक है, हार्ट का क्या काम है, ठीक है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ओके, हार्ट की डिजीज कौन सी है, तो ये सब हम हमारी फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, राइट। एट देखो, अब एट है हमारी, सॉरी, एट था बात हमारी इकोलॉजी, ओके, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है गाइज, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी, ओके, इकोलॉजी की यूनिट हमारी क्लास 12th में आती है, ओके, क्लास 12th में आप इकोलॉजी को पढ़ोगे, राइट, तो हमारा ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनिज्म होता है गाइज, उसकी जो इंट्रैक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी, राइट। इसमें इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कि एनवायरनमेंट कैसा, हमारा पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कितनी हमारी एनवायरनमेंट में, ओके, हमारे एनवायरनमेंट में लेयर्स होती हैं, राइट, पोल्यूशन हमारा, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ये सब हम पढ़ते हैं, राइट, तो हमारा जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के वेज भी हम यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ओके। और सेकेंडली हमारा देखो, इकोलॉजी के अंदर हम जो हमारी एनिमल जो स्पीसीज इंट्रैक्शन है वहाँ पर उनकी जो स्टडी होती है वो भी हमारी इकोलॉजी के अंडर आती है, राइट, फूड चैन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड्स वगैरह, ये सब हमारी इकोलॉजी के अंडर आती है गाइज, राइट। तो नाइन्थ देखो, अब नाइन्थ है हमारी ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अप टू हैचिंग और बर्थ। जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट स्टेज होती है, ओके, अप टू बर्थ, ठीक है, बर्थ तक की जो डेवलपमेंट स्टेज होती है मदर में, ओके, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी, ओके, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब, जिस वर्ड का मतलब बनता है एम्ब्रियो की स्टडी। तो गाइस ये हमारा डायग्राम दे रखा है, ये हमारा ह्यूमन
जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, ठीक है, ह्यूमन बेबी है, ठीक है, तो उसकी हमारी ये डेवलपमेंट स्टेज दिखा रखी है एम्ब्रियो से लेके फिटस तक, ओके, बर्थ तक, सॉरी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 रोज दे रखे हैं गाइज, ये हमारी क्या है, ये हमारी एम्ब्रियो है, ओके। और जो थर्ड रो है वो हमारी क्या है, वो हमारा फीटस है, राइट। तो इनकी जो स्टेजेस हैं, पर्टिकुलर स्टेजेस हैं, ओके, इनके हार्ट कब फॉर्म हुआ, हमारे बेबी का हार्ट फॉर्म कब फॉर्म हुआ, ठीक है, एयर्स कब डेवलप हुए, लेग कब फॉर्म हुआ, ये सब चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं गाइज, राइट। अब 10th देखो, 10th आती है हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन जेनेटिक वेरिएशन एंड एडिटी इन ऑर्गेनिज्म, ओके। जेनेटिक्स की यूनिट हमारी क्लास 12th के अंदर आती है, वहाँ पे आप पढ़ोगे जेनेटिक्स, ठीक है। ये हमारी बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम जीन्स की स्टडी करते हैं, ओके, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में क्या वेरिएशन है, वहाँ पे जेनेटिक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या वेरिएशन है, जेनेटिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं गाइज। तो वो हमारी किसके अंदर आती है, जेनेटिक्स के अंदर आती है, ओके। एडिटी, ठीक है, पेरेंट्स से कौन कौन से करेक्टर हमारे ऑफ स्प्रिंग में आए, उनकी स्टडी हमारी जेनेटिक्स के अंदर होती है, राइट। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, म्यूटेशन, ओके। तो ये सब हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट देखो हमारी 11th आती है पैलेंटोलॉजी, सॉरी, पैलेंटोलॉजी हमारी ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल। पैलेंटोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, हम जो हमारी लाइफ थी अर्थ पर, प्रीवियस लाइफ थी, ठीक है, जो हिस्ट्री में लाइफ रह चुकी है, उनकी स्टडी करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर, फॉसिल के बेसिस पर, ओके। जो रिसर्चर्स हैं हमारे वो मतलब घूम घूम के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर उनको जो फॉसिल्स उनको मिलते हैं तो उनकी स्टडी करते हैं, ओके। उन फॉसिल्स के बारे में जानते हैं कि ये कौन से ईयर से है, मतलब कौन से ईयर का है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो सब चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, ये पैलेंटोलॉजी के अंदर आती है। जो इस डायग्राम में दिखा रखा है ये डायनासोर का है गाइज, ये स्केलेटन है हमारा डायनासोर का है। तो यहाँ पे हम इनकी स्टडी कैसे करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि ये कहाँ पाया गया, राइट। पहले सबसे पहले तो ये नोट करते हैं ये कहाँ पाया गया, राइट। फिर हम देखते हैं ये कितने साल पुराना है, ये जो स्केलेटन है कितने साल पुराना है, जो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये डायनासोर है, जो हमारी स्पीसीज है, तो ये किस टाइम एक्टिव थी, ठीक है, किस टाइम की जो स्पीसी है वो एक्टिव थी, ये सब चीज़ हम पैलेंटोलॉजी में पता लगाते हैं, राइट। अब 12th देखो हमारी, 12th ब्रांच आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो टैक्सोनॉमी हमारी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उन जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दूसरों ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो भी हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो वो हमारी टैक्सोनॉमी के अंदर आती है गाइज, राइट। तो ये टैक्सोनॉमी गाइज आप पढ़ोगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही आप टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो अब गाइज 13, इवोल्यूशन, ओके। इवोल्यूशन द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज, राइट। जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा ओरिजिन हुआ गाइज, लाइफ का ओरिजिन है, उसको पता लगाते हैं हम, ओरिजिन कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये हम सब इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन यूनिट हमारी वो क्लास 12th की है, राइट। क्लास 12th में आप इवोल्यूशन का चैप्टर आएगा गाइज, ओके। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे हमारी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ओके। किस कैसे कैसे जो कुछ थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने, आप वो सब वहाँ पे पढ़ोगे, ओके। और इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, ओके, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओके। वो पहले उसके जो एंसिस्टर्स थे उनके बारे में स्टडी करते हैं, ओके। उनके जो चेंजेस हुए हैं वो सब हमारे इवोल्यूशन के अंडर आते हैं, ओके गाइज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारी 14th है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज और इंजरी, ओके गाइज। जो हमारी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी हम स्टडी करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको इंजरी हो गई या डिजीज हो गई, ठीक है। तो हम पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, उसकी कॉजेज, ठीक है, किस कारण वो डिजीज हुई है, वो इंजरी हुई है, किस कारण हुई है, ओके। और जो उसके इफेक्ट हैं बॉडी के ऊपर, जो उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट हैं, तो वो सब स्टडी हमारी कहाँ पर आती है, पैथोलॉजी के अंडर आती है, राइट। तो हम वहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो हमारी पैथोलॉजी कहलाती है, राइट। 15th देखो अब, बायोलॉजी एक
बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हमारी रेडियो एक्टिविटी, जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उसका हमारे लिविंग मैटर, लिविंग बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, वो हमारी रेडियो बायोलॉजी पर आती है। ओके, रेडियो बायोलॉजी की वजह से हम आजकल कुछ जो हमारी कैंसर्स हैं, ठीक है, कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, तो उनकी भी ट्रीटमेंट हम रेडियो बायोलॉजी की थ्रू करते हैं गाइज। कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ओके, वो हमारे जो कुछ डिजीज हो जाती हैं उनको क्योर करने में भी हेल्प करती है। कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं, तो इन सब की स्टडी हमारी क्या किसके अंदर आती है, हमारी रेडियो बायोलॉजी के अंदर आती है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब हमारी लास्ट जो ब्रांचेज हैं, ओके, एंडोक्रिनोलॉजी के वर्ड से आप पता लगाओ, एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन आपको पता है एक ग्लैंड है, ओके, टू टाइप की ग्लैंड होती है हमारी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ओके, एक्सोक्राइन हमारी डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं और एंडोक्राइन हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है, ये हमारी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी डायरेक्ट हार्मोन सिक्रीट नहीं कर सकती, ओके, हमारा जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये डक्टलेस होती हैं, ये स्ट्रीम जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके थ्रू वहाँ पर टारगेट ऑर्गन तक वो इफेक्ट करती हैं, एक्शन करती हैं हमारा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो एंडोक्रिनोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं, जो हमारा हार्मोन है, ओके, वो कैसे एक्ट कर रहा है टारगेट ऑर्गन पर, ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कौन सी ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, राइट, कौन सी हमारी जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन से क्या इफेक्ट हुआ है, ओके, उसका जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो हाइपर सिक्रीशन है या हाइपो सिक्रीशन है, ओके, तो इनके जो सिक्रीशन है गाइज, इनका ऊपर नीचे होना भी हमारा क्या कहलाता, जो क्या कोज करता है, हमारा डिजीज कोज करता है। तो हम ये भी पढ़ते हैं हमारे कौन से हार्मोन के कम सिक्रीशन होने या ज़्यादा सिक्रीशन होने पर कौन सी डिजीज होती है, तो ये सब स्टडी हमारी एंडोक्रिनोलॉजी के अंडर आती है गाइज, राइट। तो गाइज ये थी हमारी 16 ब्रांचेज, ओके, ये आप पढ़ चुके हो, तो गाइज हमारी एक ये हमारी कुछ मेन ब्रांचेज थी, राइट, तो हमारी एक और हम टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे हमारा जो हमारा स्पेसिफाइड ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेज और हैं हमारी बायोलॉजी में, ओके, तो उनको भी हम जानेंगे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ओके, क्या क्या हमें उनमें पढ़ना होता है, राइट। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक, ओके, हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो थैंक यू गाइज़, कल की वीडियो में मिलते हैं।